आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सीधी सी बात, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमें क्या करना है, केवल एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, एंड दैट मस्ट बी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। लेमेन लैंग्वेज में बात करूं, जितने भी पैसे के लेन देन होते हैं, जितना भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, एक टाइम पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड और अकाउंटिंग ईयर। टाइम पीरियड मींस अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर। एक ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर रिकॉर्ड होंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड है, जिनसे ऐसे ट्रांजेक्शन जिनसे एक कंट्री की कैश पोजीशन चेंज होती है, या तो कैश इनफ्लो हो या कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो का अंदर कैश का अंदर आना, कैश आउटफ्लो का मतलब कैश का बाहर जाना। जो भी ट्रांजेक्शन होंगे एक समय अवधि के दौरान, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान ट्रांजेक्शन होंगे एक कंट्री के सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, एक कंट्री के अदर कंट्रीज के साथ। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच परफॉर्म्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिंपल सी बात, मैंने दो तीन कॉम्पोनेंट की बात की है। पहला कॉम्पोनेंट है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, दूसरा कंपोनेंट है अकाउंटिंग ईयर, और तीसरा कंपोनेंट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये तीन मैंने हैवी वर्ड इस्तेमाल की। अकाउंटिंग ईयर, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब जितने भी कंट्रीज हैं इंडिया को छोड़कर, मैं इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो इंडिया के अलावा जितने भी बाहर के देश हैं, द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। या फिर कहूँ जो देश के अंदर नहीं है वो सारा विदेश है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब इंडिया का ट्रांजेक्शन इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर, ऑल द ट्रांजेक्शन परफॉर्म्ड आउटसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्री is considered as a transaction with the rest of the world. All the transaction considered या performed with the economy outside of our domestic boundary or territory. अपनी इंडिया की domestic territory के बाहर जितने भी transactions होंगे वो सभी transaction treat किए जाएंगे rest of the world के साथ। मैंने अकाउंटिंग ईयर डिस्कस कर लिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस कर लिया। अब ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं जिनसे कैश प्रभावित होगा, ड्यू टू विच कैश पोजिशन चेंजेस, ड्यू टू विच कैश पोजिशन चेंजेस। पहली बात करेंगे दो कंट्रीज के बीच में कौन कौन से ट्रांजेक्शन होंगे, फिर बात करेंगे कैश कैसे चेंज होगा। इंडिया का अदर कंट्रीज के साथ, सपोज यूएसए के साथ कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं। पहला ट्रांजेक्शन, यूएसए जितना भी माल इंपोर्ट करता है इंडिया से, या फिर मैं कहूँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट वो भी गुड्स का। मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन डील करती है। मेरी आज यदि कपड़े की दुकान है,
मेरी आज यदि कपड़े की दुकान है तो मेरे लिए जितना भी गारमेंट्स है वो सारा गुड की कैटेगरी में आएगा। मेरी कपड़े की दुकान है तो मेरी दुकान में जो एसी लगा वो गुड की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करेगा। गुड्स मीन्स दोज एलिमेंट्स इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद इट कस्टमर। तो इंडिया वाले जितना भी डील करेंगे यूएसए के साथ, वो भी एक्सपोर्ट मतलब गुड्स बेचेंगे या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी लोग फॉरेन कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या फिर मैं कहूं सर्विसेज मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, एक तो ऐसी सर्विसेज जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, पीपल लोग काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है तो ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं फॉरेन कंपनीज को, तो ये आएगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर। एंटरप्रेन्योर अपनी मैनेजरियल स्किल प्रोवाइड करा रहा है, तो ये भी आएगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाली सर्विसेज, या फिर मैं कहूँ सर्विसेज के अंदर फैक्टर सर्विसेज। दूसरा है नॉन फैक्टर सर्विसेज, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, वो इसके अंदर आएंगी, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करती हैं, जो अलग वाली सर्विसेज हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज। कोई एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एस्टेब्लिश हुई है इंडिया में, उसने भी ब्रांच यूएसए में ओपन कर ली है, या फिर यूएसए की कुछ व्यक्ति विशेष या फिर एक ग्रुप ऑफ द पीपल या फिर कंपनीज को इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। इंडिया की एसबीआई बैंक की ब्रांच यूएसए में भी है, तो ये होगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो पहला, इंडिया यूएसए को माल बेच रहा है, इंडिया यूएसए को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, पहला ट्रांजेक्शन। अब यदि इंडिया यूएसए को प्रोवाइड करा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, तो कहीं ना कहीं यूएसए से परचेज भी कर रहा होगा, जो होगा इंपोर्ट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि यूएसए जितना भी गुड्स बेचेगी इंडिया को और जितने भी सर्विसेज रेंडर करेगी इंडिया को, ये भी एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। अब यूएसए कर क्यों रहा है, ताकि जो कैश जनरेट होगा, कैश यूएसए को पेड़ होगा। इंडिया वाले क्यों यूएसए वाले को सर्विसेज बेच रहे हैं, वहां से कैश जनरेट होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट आएगा। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर नंबर वन एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, नंबर सेकंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स अलोंग विद द सर्विसेज, नंबर थर्ड जितने भी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होंगे, गिफ्ट एंड डोनेशन जो या इंडिया से यूएसए की तरफ जाएं या फिर यूएसए से इंडिया की तरफ आएं, जितने भी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होंगे, इंडिया के लोग, इंडिया के रेसिडेंट, जिन्हें एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, यूएसए में रह रहे हैं, अब ये अपनी इनकम का कुछ पार्ट इंडिया में भेजते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर है, अपनी इनकम का कुछ पार्ट इंडिया में भेज रहे हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर है, तो इस इनकम को कंसीडर किया जाएगा, इस ट्रांजेक्शन को कंसीडर किया जाएगा एज अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो जितने भी गिफ्ट एंड डोनेशन होंगे, इंडिया से यूएसए की तरफ हो या यूएसए से इंडिया की तरफ हो, सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कंसीडर किए जाएंगे। नंबर फोर्थ, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है या इंडिया के लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बाहर से लोन लेते हैं, इसका मतलब बोरोइंग। अब बोरोइंग इंडिया कर सकता है यूएसए से या फिर यूएसए भी कर सकता है इंडिया से, तो एक बोरोइंग है
जो पैसा लोन पर दे रहे हैं इंडिया के लोग, इंडिया की गवर्नमेंट, यूएसए गवर्नमेंट, यूएसए के लोगों को, या फिर यूएसए के लोग इंडिया को लोन दे रहे हैं, ये बोरिंग। नंबर फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट। यूएसए के लोग जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, यूएसए के लोग जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के अंदर आए। ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा तो इंडिया में आ ही रहा है। अब यूएसए के लोग इंडिया में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडिया में ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडिया में ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, नंबर वन इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और नंबर सेकंड इज एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जब भी शेयर और डिबेंचर, या फिर कहूं सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट होगा, एफआईआई है वो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसे। पोर्टफोलियो क्या होता है? अलग अलग कंपनी की सिक्योरिटी, अलग अलग कंपनी जो भी शेयर जारी करती है, रिलायंस कंपनी शेयर जारी कर रही है, या फिर टाटा कंपनी शेयर जारी कर रही है, इन सभी के शेयर परचेज करने के बाद मेरे पास एक पोर्टफोलियो, एक बास्केट टाइप में क्रिएट होती है, जिसमें मैंने 100 शेयर रखे हुए हैं, वो भी 10 कंपनी के। इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बास्केटिंग इन्वेस्टमेंट। मैंने अलग अलग कंपनी के शेयर्स ले रखे। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स शेयर के फॉर्म में, जिसे बोलते हैं एफआईआई, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर एफडीआई, खुद अपनी कंपनी इंडिया के अंदर बना रहे हैं। हिमालय, पीएनजी, ये फॉरेन कंपनीज है, तो इसे बोलेंगे एफडीआई और ये बोलेंगे एफआईआई। तो मैंने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन कौन से कंसीडर किए हैं? तो अब वापस मैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात करूं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मीन्स दोज ट्रांजेक्शंस विच इंक्लूड, नंबर वन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को बोलते हैं विजिबल आइटम, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम एंड इनविजिबल आइटम। ऐसे एलिमेंट जिन्हें देख सकते हैं, मतलब गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज भी हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि विजिबल और इनविजिबल ही लिखें, हम गुड्स भी लिख सकते हैं विजिबल की जगह और इनविजिबल की जगह सर्विसेज। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम दैट इज गुड्स, इनविजिबल आइटम दैट इज सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर इन द फॉर्म्स ऑफ गिफ्ट, डोनेशन एटसेट्रा। नंबर सेकंड, बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और लेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड नंबर फोर्थ, इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स, कॉमा, यूनिलेटरल ट्रांसफर इन द फॉर्म्स ऑफ गिफ्ट्स, डोनेशन एटसेट्रा, कॉमा, बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और बोरोइंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इन्वेस्टमेंट। दीज आर कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट। अब मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन वापस डिस्कस कर दूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट विच परफॉर्म्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाई अ कंट्री। ये थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक डेफिनेशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपल एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक देश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कौन कौन से ट्रांजेक्शन करता है वह रिकॉर्ड करेगा, यह स्टेटमेंट। अब थोड़ा और कॉन्सेप्ट में जाएं।
तो अब कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं या फिर दो अकाउंट में डिवाइड होते हैं। एक तो करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। नंबर वन इज करंट अकाउंट, नंबर सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे जिनसे एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, सीधी बात करूं तो जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के या फिर विजिबल एंड इनविजिबल के, और जितने भी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होंगे वो आएंगे करंट अकाउंट के अंदर, और जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे जिनसे एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस चेंज होगा, बॉरोइंग, इन्वेस्टमेंट, वो आएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। जितने भी ट्रांजेक्शन जिनसे एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस पर कोई चेंज नहीं होगा, गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर करंट अकाउंट की कैटेगरी के अंदर आएंगे, और जितने भी ट्रांजेक्शन जिनसे एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस चेंज होगा वो आएंगे कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है, एक कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट है जो डबल एंट्री पर बेस्ड है, जो डबल एंट्री पर बेस्ड है। डबल एंट्री पे बेस्ड होने का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके दो साइड हैं, जिसके दो साइड हैं। इस साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। दो साइड हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, दोनों साइड रिकॉर्ड होगा कैश की पोजीशन चेंज करने वाले आइटम, चाहे वो कैपिटल अकाउंट के हो या वो करंट अकाउंट के हो। क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिनसे कैश का इनफ्लो होगा, जिनसे कैश का इनफ्लो होगा, और डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे वो ट्रांजैक्शन जिनसे कैश का आउटफ्लो होगा। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह की पासबुक है, ये एक तरह की पासबुक है, और पासबुक में जब भी हम बैंक में कैश जमा कराएंगे तो क्रेडिट में लिखते हैं बैंक वाले, और बैंक से पैसा निकालेंगे तो डेबिट में लिखेंगे। तो जितना भी कैश इनफ्लो होगा वो आएगा क्रेडिट साइड में। अब कैश इनफ्लो कब कब होगा? कैश इनफ्लो होगा जब एक्सपोर्ट होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जब इंडिया की कंपनी, इंडिया के लोग, इंडिया की गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज बाहर भेजेगी तभी तो पैसा आएगा बाहर से। जब भी अब हम लोन देंगे तब पैसा आएगा कि लोन लेंगे तब पैसा आएगा? जब हम बोरोइंग करते हैं तब पैसा आएगा, जब भी हम बोरोइंग करेंगे, जब भी हम बोरोइंग करेंगे, जब भी इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब भी बाहर के लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे आइदर इन द फॉर्म ऑफ FII और इन द फॉर्म ऑफ FDI, जब भी डोनेशन हम रिसीव करेंगे तब पैसा आएगा। मैंने चार आइटम की बात की है, मैंने बात की है चार आइटम की। पहला आइटम था जब भी एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, जब भी एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का तब पैसा आएगा। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस लगाना है कि पैसा कब कब आएगा इंडिया के पास? जब भी माल बेचेंगे, लोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट बाहर वाले इंडिया में करेंगे, या फिर डोनेशन रिसीव होगा। अब वैसे ही कैश आउटफ्लो कब होगा? जब इम्पोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, इम्पोर्ट होंगे गुड्स एंड सर्विसेज, माल खरीदेंगे विदेश से, जब भी हम लैंडिंग करेंगे
पैसा देंगे बाहर वाले लोगों को, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और जब भी हम डोनेशन देंगे, तो ये चार कंपोनेंट हैं जब कैश का आउटफ्लो होगा। एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, इफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट बाय द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, यदि इंडियन मैन्युफैक्चरर गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, तो यह बैलेंस ऑफ पेमेंट की किस साइड में दिखाई दिखाया जाएगा। यदि इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की किस साइड में दिखाया जाएगा। यदि इंपोर्ट करते हैं कैश कम होगा, देन इट विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट ऑल दोज ट्रांजेक्शन ड्यू टू विच कैश डिक्रीजेज और कैश आउटफ्लो राइजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, और वी कैन से इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम, एंड एज पर द डबल एंट्री सिस्टम कैश आउटफ्लो इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एज पर द बैंक स्टेटमेंट। या फिर अगर ये पूछ ले करेंट और कैपिटल अकाउंट के बेसिस पर कि इंडिया वालों ने गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट किए, तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा या क्रेडिट साइड में जाएगा। करंट अकाउंट का फॉर्मेट भी सेम ऐसा ही होता है, करंट अकाउंट का फॉर्मेट भी डेबिट साइड में कैश पेड, क्रेडिट साइड में कैश रिसीव्ड, डेबिट साइड में कैश पेड या फिर कैश आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो, और क्रेडिट साइड में कैश का इनफ्लो। बस करंट अकाउंट में केवल गुड्स एंड सर्विसेज वाले आइटम जाएंगे और यूनिलेटरल ट्रांसफर वाले जाएंगे, बस और कुछ नहीं जाएगा। तो इफ इंडियन मैन्युफैक्चरर इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन इन विच अकाउंट इट विल रिफ्लेक्ट एंड इन विच साइड, किस अकाउंट में और किस साइड में। एज वी नो balance of payment is a statement which records all type of transactions, whether it is capital nature or revenue nature, or it record all the transaction which is categorized into the two parts, number one is current account, number second is capital account, all those transaction due to which asset and liability status changes will record in the capital account, and all those transaction which doesn't change asset or liability status will record on the current account. Import of goods and services is an example of, is a component of current account, and due to which cash decreases or cash outflow rises. It means it will record on the debit side of current account. Full stop. तो सिंपल सी बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे अभी मैंने कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स होंगे, कितनी कैटेगरी में डिवाइड है, किस ट्रांजेक्शन किस समय किस साइड में रिकॉर्ड करना है, केवल इतना ही मैंने आज अभी डिस्कस किया है। याद रखेंगे कि जो भी कैश इनफ्लो होगा क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, कैश आउटफ्लो होगा डेबिट में रिकॉर्ड होगा। ट्रांजेक्शन चार कैटेगरी में डिवाइड है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहले याद रखने हैं केवल ये चार ट्रांजेक्शन, जो भी कैश आएगा क्रेडिट में लिखेंगे, कैश जाएगा डेबिट में लिखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के सारे ट्रांजेक्शन दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर दिए, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जिनसे एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस चेंज होगा कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, चेंज नहीं होगा करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज वाले होंगे वो करंट अकाउंट के अंदर आएंगे, यदि गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करेंगे डेबिट साइड में आएंगे, क्योंकि कैश डिक्रीज होगा
एक्सपोर्ट करेंगे क्रेडिट में आएंगे क्योंकि कैश इंक्रीज होगा एग्जाम में। इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन रहता है कि यदि हम मशीनरी की सेल करते हैं, मशीनरी बेचते हैं या फिर मशीनरी परचेज करते हैं, तो मशीनरी बेचना किस अकाउंट के अंदर जाएगा और मशीनरी खरीदेंगे तो किस अकाउंट के अंदर जाएगा। यदि इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर की कंट्री की तरफ मशीन बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर मशीन बन रही होगी, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन मशीन बनाती है, मशीन का निर्माण करती है, उसका मेन काम तो मशीन बनाना ही है, तो उसके लिए मशीन हो गया गुड्स। तो मतलब सेल ऑफ मशीन इज अ आइटम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सो इट विल बी कंसिडर्ड इन दी करंट अकाउंट। लेकिन हमने यदि मशीन परचेज की है तो यहाँ पर मशीन एसेट है, यदि हम मशीन परचेज करेंगे तो मशीन एसेट है क्योंकि हमने मशीन परचेज क्यों की है। कोई रेडीमेड वाला है, मशीन परचेज क्यों करता है? ताकि वो और गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर सके। ऐसा तो नहीं है रेडीमेड वाले ने मशीन खरीदी है वापस बेचने के लिए, तो मशीन उसने परचेज क्यों की है? ताकि वापस फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कर सके। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसके लिए एसेट है, तो ये वाला कॉम्पोनेंट जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन रहता है। ये था ओवरऑल आज का टॉपिक।